हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एएस फिल्मी मेट के एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ साउथ की टोटल 6 ऐसी नई हिंदी डब्ड मूवी जो अभी अभी हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल हुई है, जिसमें आपको जबरदस्त एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर, ड्रामा, मिस्ट्री देखने को मिलेगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको विजय सेतुपति की नई मूवी एनाबेल सेतुपति और हाल ही में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फैंटेसी मूवी कादन यानी हाथी मेरे साथी हिंदी डब में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, और अगर आप साउथ की नई नई मूवीज देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर। और हाँ, मुझे पता है वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट है तो इसके लिए सॉरी, बट अब से डेली वीडियो आएगी। उम्मीद है आप लोग पहले से भी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस कॉर्नर लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 6 पर आती है साल 2019 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा रोमांस मूवी अडक्कर बटालियन 6। मूवी की कहानी आधारित है सफीक नाम के एक आदमी पर जिसके पिता चाहते थे कि वह एक शेफ बने, लेकिन वह इसके बजाय अपने देश की सेवा करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। और फिर वह अपने एनुअल छुट्टी पर अपने परिवार और होने वाले दुल्हन से मिलते हैं, जहां उसे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व एक गैंग से भी डील करना पड़ता है। मूवी में आपको एक सोल्जर और उनके नॉर्मल लाइफ के कॉम्बिनेशन को दिखाया गया है। यह एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे IMDB पर 4.6 आउट ऑफ 10 के रेटिंग मिला है। वहीं 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी अच्छी है जिसमें आपको टोबिनो थॉमस, संयुक्ता मेनन, पी बालाचंद्रन जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। तो अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया है तो एक बार जरूर देखिए। ये मूवी सनशाइन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है इसी साल 2021 में रिलीज हुई मिस्ट्री फैंटेसी हॉरर मूवी एनाबेल सेतुपति। मूवी की कहानी में रुद्र नाम का एक छोटा मोटा चोर है जो भूतों से भरे एक महल में घुस जाता है, और भूतों के साथ वह महल के मालिक एनाबेल सेतुपति के बारे में रहस्य का पता लगाने लगता है। मूवी अच्छी है जिसमें आपको हॉरर मिस्ट्री के साथ फैंटेसी भी देखने को मिलेगा, जिसे IMDB पर 4.7 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। यह एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसमें आपको विजय सेतुपति, तापसी पन्नू, देवदर्शनी जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। ये मूवी हिंदी डब में Disney+ Hotstar पर अवेलेबल है या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं। नंबर 4 पर आती है इसी साल 2021 में रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस ड्रामा मूवी पेरिस जयराज। मूवी की कहानी में जयराज नाम का एक खुश मिजाज इंसान है जो अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या के साथ साजिश में शिकार होकर ब्रेकअप कर लेता है, जिसके बाद उसे फिर से प्यार हो जाता है। तो क्या वह उस लड़की से शादी करेगा जिससे वह प्यार करता है, या फिर से साजिश का शिकार होगा, जानने के लिए आपको मूवी पूरा देखना होगा। अगर आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ रोमांस भी देखना पसंद है तो इस मूवी को आप देख सकते हैं, जिसे IMDB पर 5.8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला और 90% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। यह एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसमें आपको सांतना, मनाइका सोती, काव्या शाह जैसे स्टार्स की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। इस मूवी को आप गोल्डमैन टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। नंबर 3 पर आती है इसी साल 2021 में रिलीज हुई पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर मूवी वन। मूवी की कहानी है केरल के मुख्यमंत्री कडक्कल चंद्रन की, जिसने अपने भ्रष्टाचार के प्रति अधिक रवैया और तानाशाही हरकतों के कारण बहुत सारे दुश्मन पाल लिए हैं, लेकिन ये सभी घटनाएं तेज तब हो जाती है जब वह किसी आरोप का सामना करता है। इस मूवी में आपको जबरदस्त एक्शन के साथ पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसे IMDB पर 6.5 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है और 86% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। यह एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसमें आपको मैमूटी, गायत्री और मैथ्यू थॉमस जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। इस मूवी को आप हिंदी डब में सनशाइन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। नंबर 2 पर आती है साल 2019 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी रॉकी। मूवी की कहानी रॉकी नाम के एक ऐसे आदमी की है जिसकी लाइफ असाधारण परिस्थितियों में उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है, लेकिन बाद में वह एक साधारण आदमी से एक बदला लेने वाला बन जाता है। वैसा क्या हुआ था उसके साथ, जानने के लिए आपको मूवी पूरा देखना होगा। मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले अच्छी है जिसमें आपको शानदार एक्शन और क्राइम देखने को मिलेगा, जिसे IMDB पर 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला और 95% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको यतीन केरेकर, शिवानी डंडेकर, राहुल देव जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। फाइनली ये मूवी हिंदी डब में बॉली किक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो चुकी है, या आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देख पाएंगे। नंबर 1 पर आती है इसी साल 2021 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फैंटेसी मूवी कादन। मूवी की कहानी में बुमन नाम का एक आदमी अपने पालतू हाथी मनिकम से बहुत प्यार करता है, लेकिन एक बार जब एक पड़ोसी गांव को एक दुष्ट हाथी द्वारा तबाह कर दिया जाता है तब मनिकम वहाँ बचाव के लिए जाता है, लेकिन अगले ही दिन बुमन की लाइफ में एक बड़ी ट्रेजेडी आ जाती है। मूवी में आपको आदमी और जानवर के बीच गहरा और ताकतवर रिलेशनशिप को दिखाया गया है, जिसके स्क्रीन प्ले और सभी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त है कि आप एक पल के लिए भी अपनी नजर स्क्रीन से नहीं हटा पाएंगे। ओवरऑल यह एक मास्टरपीस मूवी है जिसे IMDB पर 8.9 आउट ऑफ 10 का शानदार रेटिंग मिला है और 94% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी में आपको राणा डग्गुबाती, श्रेया पिलगांवकर, पुलकित सम्राट जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। यह तमिल और तेलुगु दोनों ही लैंग्वेज की मूवी है जिसे आप हिंदी डब में हीरोज नाउ पर देख पाएंगे। और हाँ, सभी मूवीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी साउथ की 6 बड़ी हिंदी डब्ड मूवीज। अगर आपको ये वीडियो
पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही नई नई मूवीज की लिस्ट और अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।